हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं कर। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, अगर कामयाब बनना चाहते हो तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को अपना लो, हुजूर के उस्वा हसना पे अमल करो, हर मामले में कामयाबी का राज तुम्हें इसमें होगा। हम अपने नबी पर नाज करते हुए कहते हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा इतनी मुकम्मल है, हमारे आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी इस तरह तमाम शोबा जात का अहाता करती है तमाम शोबों का, कि कोई किसी भी वॉक ऑफ लाइफ का बंदा अगर हम सवाल करे, किसी भी एतबार से रहनुमाई चाहे, एक शख्सियत है कि जिस एतबार से रहनुमाई चाहोगे उसकी ज़ात अक़दस से मिलेगी, और वह हमारे आका सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। ये दरबारे मोहम्मद है। हमारे लिए बहुत एजाज की बात है कि आलम इस्लाम की एक ऐसी मारूफ शख्सियत जो हर सतह पर इस्लाम की दावत व तबलीग का एक अजीम कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं, और बहुत कम उम्री में अल्लाह तबारक व ताला ने आपको वो उरूज अता फरमाया कि आपका नाम इस वक्त पूरी दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की एक निशानी बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम के अहले सुन्नत व जमात के इस अजीम मरकज़ सिटी ऑफ नॉलेज में एक मरतबा फिर आके और इतने मुख्तसर वक्त में माशाल्लाह यहाँ बढ़ते हुए काम और इस सिलसिले को देख के दिल खुश हुआ, दिल बड़ा हुआ। जहाँ पर अहले सुन्नत का इस अंदाज़ में भी काम किया जा रहा है कि जदीद उलूम के साथ नौजवान तैयार किए जा रहे हैं, अल्लाह ताला इस मरकज़ को तासुबह क़यामत आबाद रखे, और यकीनन इसके रूह रवां हज़रत क़िबला डॉक्टर मुफ्ती उमेर साहब अल्लाह ताला हज़रत की तौफीकात खैर में बरकत अता फरमाए। ये सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू है जो यकीनन हमारे कल्ब व ज़हन को मुअत्तर करने के लिए बहुत सामान अपने अंदर रखती है। क़िबला साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, और ईदगाह शरीफ का फैज़ान इस वक्त यकीनन सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस वक्त मुनव्वर कर रहा है। इदारे की जानिब से मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते,